तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर टू है, इसमें कह रहे हैं एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया है, इसका मतलब यू जीरो होने वाला है एंड मूव्स अलोंग वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन से यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो जिस भी डायरेक्शन में चल रही है, ईस्ट में चल रही है, वेस्ट में चल रही है, साउथ में चल रही है, नॉर्थ में चल रही है, उस डायरेक्शन को हमने वाई डायरेक्शन कह दिया विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे बच्चों, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में भी वो मूव करने लगी, क्योंकि अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, रेस्ट में थी, तो जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन भी था 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद फॉर 6 सेकंड। और ये जो एक्सेलरेशन था इसका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखा है बच्चों वो कितना दे रखा है, वो आपका 6 सेकंड दे रखा है। तो मैं इसको T1 लिख लेता हूं और T1 इज एसोसिएटेड विद दिस एक्सेलरेशन। ओके, दिस मस्ट बी नोटेड एंड इट देन कंटिन्यूज विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस एक्सेलरेशन से इतनी देर तक चलने के बाद उसकी कुछ वेलोसिटी बिल्डअप हो गई होगी, सपोज वो वेलोसिटी हो गई थी वी। इस वी वेलोसिटी से इस ये वी वेलोसिटी जितनी भी रही हो, ओके, ये जितनी भी रही हो, इससे ये कंटिन्यू रही कार, इस वेलोसिटी से ये चलती रही। टोटल डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय द कार इन 10 सेकंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से, ठीक है। तो रेस्ट से ये 6 सेकंड तो इसके यहां पर चले गए, यानी अगले वाले जो T2 सेकंड है वो कितने बचे, 4 सेकंड रहे, जिससे ये इस वेलोसिटी से चलती रही, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब इन दोनों ड्यूरेशन में, यानी कि इस एक्सेलरेशन और इस वेलोसिटी से जब तक ये चलती रही, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कर सकते हैं बहुत आराम से, ठीक है। सपोज इट इज टाइम, इट इज वेलोसिटी, ओके, बात समझ में आती है। तो कुछ किसी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा होगा 6 सेकंड के लिए शुरू के, तो ये कितने सेकंड तक के लिए है बच्चों, ये T1 विच इज इक्वल टू 6, बात समझ में आती है। तो ये किसी वेलोसिटी पर पहुंच गई होगी, ये वाली जो वेलोसिटी थी वी। इसके बाद यहां पर 6 सेकंड हो गए, 4 सेकंड तक ये और चलिए, 4 सेकंड तक ये और चलिए, तो यहां पर बेसिकली कितने हो गए थे, यहां पर 10, यहां पर 6, तो ये जो ड्यूरेशन थी बच्चों वो कितनी थी, इसको T2 कह देता हूं, ये ड्यूरेशन 4 सेकंड थी और ये जो ड्यूरेशन थी ये कितने सेकंड थी, ये 6 सेकंड थी, ठीक है। तो ऐसे करके ये 10 सेकंड हो चुके। अब हमको क्या करना है, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है या डिस्टेंस निकालना है। तो बहुत आसान है कि आप इस रेक्टेंगल का डिस्टेंस, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये हमारे पास वी नहीं है, इसको निकालना बहुत आसान। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहां पर 0 थी, तो ए टी हमको कैलकुलेट करना है, 6 × 6, दोनों एसआई यूनिट में रखे हुए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड, तो मीटर के अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर आंसर आ जाना है, 6 × 6 किसके बराबर हो जाएगा, 36 मीटर पर सेकंड। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों, 36 आ चुकी है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, इस वाले ट्राइंगल को, इसकी बेस पता है आपको, इसकी हाइट भी पता है। जब बेस और हाइट किसी ट्राइंगल की हमको पता है तो ½ × बेस × एल्टीट्यूड से निकाल लेंगे। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1/2 × 6 × 36 प्लस, अब ये वाला जो आपका रेक्टेंगल है उसको देख लीजिए, इसकी जो बेस कितनी है, इसकी बेस है 4 सेकंड्स मल्टीप्लाइड बाई, इसकी हाइट कितनी है बच्चों, इसकी हाइट है आपकी 36 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका हो गया 36 मीटर पर सेकंड, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 36 + 4 × 36, ठीक है, 3 × 36 किसके बराबर होता है, 3 × 9 = 18, ये हो जाएगा आपका 108 + 36 × 4, ये हो जाएगा आपका 144, ठीक है। 200 तो ये ऐसे हो रहे हैं, 200 और 8 इसके अंदर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 252, 252 आंसर है, यस यस आंसर है, 252 मीटर आपका ये डिस्टेंस कवर करेगी अगर ये इस हिसाब से चलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं।